हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संस्कृत के थर्ड चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ में व्याख्या जो दी गई है उनके हिंदी अनुवाद और जो सूक्तियाँ दी गई है उनके हिंदी अनुवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहली व्याख्या है, यहाँ पर अवतरण दिया है जिसकी हमें व्याख्या करनी है। निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है याग्वलोक के मैत्रेय मुवाच, मैत्रेयः उद्याश्यन् अहम् अस्मात् स्थानदस्मि ततस्थानया कात्यायन्या विच्छेदं कर्वणि इति मैत्रेय उवाच। यदियं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनाहं मृता श्यामिति। याग्वलोक उवाच नैति यथेवोपकरण वताम जीवनम तथेव तजीवनम स्यात् अमृतवश्य तु नासित वित्तेन इति। स मैत्रेय उवाच यानहं नामृता स्याम किमह तैन कुर्याम। यदेव भगवान केवल ममृत साधनम जनाति तदेव मैं ब्रूहि। याग्वलक्य उवाच प्रिया न सति त्वं प्रियं भाषेषे एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। तो ये है प्रथम अवतरण जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, मैंने ये अभी रीड किया है। अब इसके बाद मैं आपको इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगी। तो इसका संदर्भ यहाँ दिया हुआ है, यह संस्कृतांश संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ शीर्षक से उद्धृत है। संदर्भ में हमें दो चीज़ें मेंशन करनी होती है, यानी कि दो चीज़ें दर्शानी होती हैं। एक तो जो हम बुक होती है संस्कृत की उसका नाम, और फिर जो संस्कृत बुक का चैप्टर दे रखा है उस चैप्टर का नाम। हम किसी भी संदर्भ लिखें गद्य में या पद्य में तो हमें यही दो चीज़ें दर्शानी होती है, एक तो बुक का नाम और सेकेंड होता है कि चैप्टर का नाम। इसके बाद हम अनुवाद में वो लिखेंगे जो वहाँ संस्कृत में दिया हुआ था, सेम वही हम यहाँ पर लिखेंगे बट यहाँ पर उसकी हिंदी होगी। तो अनुवाद में लिखा है, जैसा साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन भी होगा। धन से अमरता की आशा नहीं है। जैसे सभी धनवान लोगों का अध्यात्म की ओर ध्यान ही नहीं है वैसे ही तुम भी हो। तब उस मैत्री ने कहा, जिससे मैं अमर ना हो सकूं, उसे लेकर क्या करूंगी। भगवान आप जो कुछ अमरता की प्राप्ति का साधन जानते हो वही मुझे बताएं। याग्वलक्य बोले, तू पहले भी मेरी प्रिय रही है और इस समय भी मुझे प्रिय लगने वाली बातें कर रही है, यानी कि अच्छी लगने वाली बातें कर रही है। आ बैठ, तुझसे अमरता प्राप्ति के साधन की व्याख्या करूंगा, यानी कि अमरता की प्राप्ति कैसे करते हैं। तो ये था पहले संदर्भ का, पहले अवतरण का संदर्भ और व्याख्या। अब हम आते हैं दूसरे अवतरण पे। तो यहाँ पे दूसरा अवतरण दे रखा है, याग्वलक्य उवाच ना वा अरे मैत्री पुत्र कामाया पति प्रियो भक्ति आत्मनस्तु वे कमाया पति प्रियो भक्ति न वा अरे जाया कामाय जाया प्रिय भक्ति आत्मनस्तु वे कमाया जाया प्रिय भक्ति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाया पुत्रो वित्तम वा प्रियं भक्ति आत्मनस्तु वे कमाया पुत्रो वित्तम वा प्रियं भक्ति न वा अरे सर्वस्य कामाया सर्व प्रिय भक्ति आत्मनस्तु वे कमाया सर्व प्रिय भक्ति। तो यह है सेकेंड अवतरण, और अब हम देखेंगे इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो आपको संदर्भ में यही लिखना है, यह संस्कृतांश संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ शीर्षक से उद्धृत है। इसके बाद हम यहाँ पे हिंदी अनुवाद करते हैं, जो अभी मैंने संस्कृत में संस्कृतांश पढ़ा है यहाँ पर उसकी हिंदी दी गई है। याग्वलक्य बोले, अरे मैत्री पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती है अथवा प्रेम करती है, ना ही यदि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। ना ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। आशय यह है कि मनुष्य जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं अपितु अपने सुख के लिए करता है, अपनी ही आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। के बाद ये तो थी इम्पोर्टेंट अवतरण। तो इस चैप्टर में यही दो इम्पोर्टेंट अवतरण है। इसके बाद हम आते हैं सूक्तियों पे। तो पहली सूक्ति यहाँ पर दी गई है,
आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्व विदितं भवति। इस सूक्ति को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं संस्कृत में ही, जो कि मैंने याक लगा के नीचे लिखा है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो ये दोनों सूक्तियाँ अगर लिखी आए तो इन दोनों की व्याख्या एक ही होगी। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से अवतरित है। जैसा कि संदर्भ आपने अवतरण में लिखा था, वहाँ पे आपने सूक्ति की जगह संस्कृतांश का यूज करना है, पर यहाँ पे सूक्ति का यूज करना है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है संदर्भ में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है सूक्ति की, यहाँ पे संस्कृतांश की जगह सूक्ति लिखा गया है, बाकी सब वही सेम है क्योंकि ये उसी चैप्टर की है। इसके बाद हम आते हैं व्याख्या पे, जो कि हिंदी अनुवाद है यहाँ पर। तो ये दिया गया है, जो आत्मा का ज्ञाता है वही सब कुछ जानने वाला होता है। तात्पर्य यह है कि संसार में मनुष्य जो कुछ करता है आत्मा के लिए करता है, इसलिए आत्मा सर्वोपरि है, यानी कि आत्मा सबसे ऊपर है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। इसलिए आत्मा को जानने के लिए ही शास्त्रों को श्रवण मनन ध्यान और समाधि बनानी चाहिए। आत्मा के दर्शन से ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सूक्ति है, यानी कि दूसरी सूक्ति है, नावार्य पुत्रस्य वित्तस्य च कामाया पुत्रो वित्तं वा प्रिय भवति आत्मनस्तु वे कामाया पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। या फिर इसे भी, इस सूक्ति को भी दो तरीके से लिख सकते हैं, या लगा कि मैंने एक और नीचे तरीका दिया हुआ है, आत्मनस्तु कामाया पुत्रो वित्तं वा प्रिय भवति। तो ये दोनों सूक्तियाँ अगर लिखी आए तो आपको एक ही अनुवाद करना है, जो कि हमने आपको बता रही है। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ दिया हुआ है, सभी मनुष्य वृद्धावस्था को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए तथा वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की एवं सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए धन की इच्छा करता है। इसी कारण यह कहना है कि पुत्र प्रत्येक पिता को इस कारण प्रिय होता है कि वह उसका पुत्र है, युक्ति संगत नहीं है। पुत्र के प्रिय होने में पिता का अपना स्वार्थ है, अतः पुत्र कामना की पूर्ति के लिए प्रिय ना होकर माता पिता को अपनी कामना पूर्ति की दृष्टि से ही प्रिय होता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने पुत्र से अपने भविष्य को सुखी और धन से समृद्ध बनाने की आशा करता है। धन से व्यक्ति जहां एक और अपने वर्तमान को सुख से व्यतीत करता है, वहीं वह भविष्य की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए भी धन से प्यार करता है। अतः याज्ञवल्क्य ऋषि का कहना है कि, यानी कि कथन है कि पुत्र और धन उनकी कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी कामना के लिए ही प्रिय होते हैं। अक्षरशः सत्य है, यानी कि ये बिल्कुल ही सच है। वास्तव में संसार में सब कुछ सबकी कामना के लिए प्रिय नहीं होते, वरन सब कुछ अपनी कामना के लिए ही प्रिय होते हैं। इसके बाद थर्ड सूक्ति है, ना जाया या कमाया जाया प्रिय भक्ति। इसमें संदर्भ आपको वही लिखना है जो पहले मैंने अभी पढ़ा था संदर्भ, पिछली वाली सूक्ति में वही संदर्भ आएगा सीन। इसके बाद इस सूक्ति में हमें प्रसंग भी लिखना होगा, क्योंकि इसमें प्रसंग भी दिया गया है। यहाँ पे प्रसंग दिया है, प्रस्तुत सूक्ति में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को अमरता प्राप्ति के उपाय के अंतर्गत इस संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति के बारे में समझा रहे हैं। इसके बाद इसमें अर्थ भी दिया गया है, तो अब हम अर्थ लिखते हैं इसका। पति को पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, तो अर्थ में जो दिया गया है अब व्याख्या में उसी के बारे में डिस्कस होगा। पति को पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, तो इसका व्याख्या यहाँ दिया गया है। याज्ञवल्क्य मैत्री से कहते हैं कि इस संसार में सारे रिश्ते नाते व्यर्थ हैं, कोई भी किसी की कामना पूर्ति के लिए उसे प्यार नहीं करता और ना ही किसी को कोई व्यक्ति प्रिय होता है, बल्कि संसार में सभी कुछ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है। अर्थात संसार में लोग पुत्र पत्नी आदि को अपना प्रिय बताने का जो राग अलपाते हैं, वास्तव में वह उनका प्यार अथवा स्नेह नहीं होता, बल्कि उनका अपना स्वार्थ ही ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। एक पति अपनी पत्नी को उसकी इच्छा पूर्ति के लिए अथवा उसके कल्याण के लिए प्यार नहीं करता, बल्कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वह इसको प्यार करने का ढोंग रचता है। वह ये ढोंग इसलिए रचता है ताकि इससे उसका वंश आगे बढ़ सके। यहाँ पर एक लाइन लिखना हम भूल गए, तो यहाँ पे एक और लाइन आएगा, ताकि इससे इसका वंश आगे बढ़ सके। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।